ओके जी, तो आज के टॉपिक के अंदर हम करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जब आप शीट एक बना लेते हैं, उसमें आपको पता है क्या क्या फार्मूले लगाने हैं, आप वो भी लगा देते हैं। लेकिन फार्मूले बहुत सारे वैसे होते हैं जिनको टेस्ट की जरूरत होती है, और बहुत सारे फार्मूलाज को वैल्यूज की जरूरत होती है। जैसे आपको काउंट करना है, सम करना है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो इनके लिए वैल्यूज की जरूरत है। या सपोज अभी आपने, आप देख रहे हैं सामने आपके एक मार्कशीट ओपन है, तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू सब्जेक्ट्स की चाहिए वो नंबर्स में ही चाहिए ना बेटा। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट की वैल्यूज मुझे क्या चाहिए, नंबर्स में, डिजिट्स में चाहिए, सही। लेकिन अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाके टेक्सचुअल डेटा लिखना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। सपोज 23 इंग्लिश में लिखूं तो तब भी मुझे अलाउ कर रहा है, जबकि वो हमारे लिए, हमारे फार्मूलाज के लिए कोई परफेक्ट या एक्यूरेट चीज नहीं है। ऐसे ही है ना, इस पे तो अप्लाई हो गए नहीं फार्मूला। तो हमें क्या करना है, हम जब भी ये शीट पूरी बना के किसी स्कूल या किसी इदारे को दे देते हैं तो उसके अंदर ये बच्चों के नाम और ये सब्जेक्ट के नाम हटा के दे देते हैं, फार्मूले लगे होते हैं इस तरह से। कौन से क्लियर हो गया? वो नाम ऐड करने की बात। हाँ, वो नाम ऐड करते हैं और सब्जेक्ट की वैल्यूज ऐड कर देते हैं। लेकिन जहां पे स्टूडेंट का नाम रिक्वायर है, अगर वो वहां पे स्टूडेंट का नाम कुछ इस तरह से लिख दें तो ये अलाउ थोड़ा ही ना है। या 1 2 3 नाम लिख दें, गलती से ऐड हो जाए, तो हमें क्या करना है, अपनी एक्सेल की शीट को परफेक्ट बनाना। क्या बनाना है? परफेक्ट, कि जहां पे नाम आना चाहिए वहां पे सिर्फ नाम आएगा, जहां पे डिजिट आने चाहिए वहां पे सिर्फ डिजिट आएंगे, सही है? तो मैं क्या कर लेता हूं, इन तकरीबन जो सेल्स हैं, जो स्टूडेंट के नाम के नीचे सेल हैं, यहां पे सिर्फ नाम आएंगे ना बच्चों के, तो टेक्सचुअल डेटा चाहिए। तो मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा, और डेटा में जाने के बाद एक आपको यहां पे मिलता है डेटा वैलिडेशन, श्योर है? इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहां पे अभी देखें क्या लिखा हुआ है, एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको कहूंगा नहीं, आपको क्या देना है, यहां पे आपका एक तो आ रहा है एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, एक कस्टम, हमें क्या देना है, टेक्स्ट लेंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेक्स्ट ही आएगा, और आप यहां पे बताएंगे कि बिटवीन, नो बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, व्हाटएवर, जो भी आप देना चाहते हैं। अब इसके बाद मिनिमम कितनी रेंज होनी चाहिए, यानी जो करेक्टर आएंगे ना नाम के अंदर वो भी कितने होने चाहिए मिनिमम, तो मैं कहता हूं कम से कम 3 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। कितने? 3 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर हो बेटा, 7 10 15 जो भी आप देना चाहते हैं, सपोज 7 दे देते हैं, और मैं यहां से आके ओके कर लेता हूं। कौन से क्लियर हो? अब अगर मैं इसके अंदर, ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं ए और मैं इसको कह रहा हूं, तो क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, कि आपने जो इस तरह की डेटा वैलिडेशन दी है उसके हिसाब से ये वैल्यू आपने गलत दी है, आपको 3 कैरेक्टर का नाम देना चाहिए, सही है? लेकिन ये यूजर को कैसे पता चले कि हमें क्या देना है, तो कोशिश ये है कि हम इसको एरर भी अपनी मर्जी का बताएं। समझ में आ रहा है? और मैं आ रहा है, चले मैं अगर इसको सही वैल्यू देता हूं तो इसने एक्सेप्ट कर ली ना अली, कि 3 कैरेक्टर है इसमें। मैं कहता हूं अहमद, तो अहमद में 5 कैरेक्टर है ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं लिखता हूं गुल अहमद, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 कैरेक्टर, ये आपको फिर से एरर दे देगा। लेकिन एरर समझने के लायक नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये एरर भी अपनी मर्जी का आप शो कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसकी वैल्यू मिटाता हूं और फिर से वैलिडेशन देता हूं, डेटा वैलिडेशन, फिर से मैं क्या बताऊंगा, देखिए ये सेटिंग्स के अंदर हमने बता दिया कि टेक्स्ट की लेंथ कितनी होगी, 3 कैरेक्टर से लेकर 7, यानी बिटवीन 3 to 7, या आप यहां से बता सकते थे कि एग्जैक्ट कितने, इक्वल टू टोटल, यानी कि 5 या 10 कैरेक्टर का ही नाम देना है ना, उससे कम ना,
ज्यादा, तो वो भी कर सकते थे। या आपका होता था नॉट बिटवीन, यानी तीन से पांच कैरेक्टर के बीच में कोई नाम नहीं होगा, बाकी जो जाए दे सकते हैं, ये भी होता है। या आप चाहते हैं ग्रेटर देन, यानी तीन कैरेक्टर से ज्यादा जो भी नाम होगा आप दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये भी है, लेकिन बिटवीन इज अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद आपने बता दिया ये, अब उसके बाद मैंने यहां पे क्या बताना है, एरर अलर्ट। श्योर है एरर अलर्ट? इसका टाइटल हम खुद रखेंगे। क्या रखेंगे हम इसको? रखेंगे कि ये एरर है। और यहां पे देखो क्या श्योर है कि स्टाइल स्टॉप करना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्टॉप करना चाहते हैं कि आप इस तरह की वैल्यू नहीं दे सकते, है ना। तो इमोजी इस तरह का, यहां आप समझ लो आइकन उस तरह का नजर आएगा, वार्निंग में इस तरह का होता है ना, वहां पे शो हो रहा था स्टॉप वाला, तो हम स्टॉप वाला दिखा रहे थे। अब मैसेज भी आप लिख दो, प्लीज राइट नेम बिटवीन, या राइट नहीं, प्रोवाइड नेम बिटवीन 3 to 7 कैरेक्टर्स। सही है कि यूजर को 3 से 7 कैरेक्टर का नाम देना है, ऐसे ही है ना बेटा? आपने ये अब एक मैसेज बना दिया और मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए मैं यहां पे आके कोई गलत चीज देता हूं, ए लिखा तो क्या बता रहा है, प्लीज प्रोवाइड नेम बिटवीन 3 to 7 कैरेक्टर। तो ये एक समझ ले रीडेबल मैसेज होगा यूजर के लिए, सही है। अच्छा अब आप चाहते हैं ये एरर अलर्ट ना एक क्यों ना सेव कर दी किसी इदारे को दे रहे, तो वो जैसे अपने ओपन करेगा उसके बाद डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगी फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला अप्लाई। अच्छा जी ठीक है। अगर उसके पास 2007 है, आपके पास 2013 नहीं, इसका वर्जन वाइज आपकी चीजें नहीं। हाँ आप ये कर सकते हो कि वर्जन वाइज सेव करके दे सकते हो। आप इदारे से पूछेंगे आपको किस तरह का आप जो है एक्सेल यूज कर रहे हैं। कभी कभार ही होता है फॉर्मेटिंग इस तरह की चीजों पे चेंजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे फाइल जब सेव होता है तो आप पुराने वर्जन में भी सेव करके दे सकते हो उसको, सही है। तो ये वर्जन वाइज फार्मूलाज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो नए वर्जन है उसमें फीचर्स कुछ एडवांस है, पुराने में थोड़े कम है, तो वो फीचर्स शायद सपोर्टेड ना, सही है। अच्छा एक चीज और, चले ये तो हमने पढ़ लिया कि ये था। अब एक इंफॉर्मेशन मैसेज आप चाहते हैं जब सेल पे क्लिक करें, बस लिखे भी ना, उससे पहले ही उसको एक आइडिया मिल जाए कह रहा था, तो आप एक काम कर लेना इन सबको सिलेक्ट करें। एक तो था एरर अलर्ट कि गलत वैल्यू दे तो आप उसको एरर दिखा दो, लेकिन यहां पे एक इनपुट मैसेज शो है, इनपुट मैसेज भी तो है ना। एक है सेटिंग जिसमें हम बता रहे हैं क्राइटेरिया, एक है इनपुट मैसेज, यानी सेल पे सिर्फ क्लिक करें तो आप लिखो इंफॉर्मेशन मैसेज है, और यहां पे मैसेज क्या वही वाला प्लीज प्रोवाइड दिस वन। और मैं जैसे ही ओके करता हूं तो बेटा इंटरेस्टिंग चीज ये है, जिस भी सेल पे क्लिक करोगे इंफॉर्मेशन मैसेज आ जाएगा लिखने से पहले ही। अब हर सेल पे जहां पे भी जाएंगे ना आपको क्या बता रहा है कि प्लीज प्रोवाइड नेम बिटवीन 3 to 7 कैरेक्टर्स, तो ये भी आप दे सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन मैसेज हो जाएगा उसके लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? okay. अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, क्या चाहिए नंबर्स, तो आपने क्या करना है यहां पे आके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए अभी भी एनी वैल्यू लिखा हुआ, आपने क्या करना है इसको क्लिक करना है। आप चाहते हैं इसके अंदर होल नंबर आए, है ना, इसको क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है बिटवीन कहां से लेकर कहां तक। अब आपको पता है कि 0 से लेकर कोई भी वैल्यू दे सकता है 100 तक। अब 100 से ज्यादा तो नंबर होते नहीं है ना, कल को अभी तो वो कुछ भी दे सकता था ना। अभी देखो, अब अगर ये यूजर बैठ के यहां पे 112 सब्जेक्ट की वैल्यू दे रहा है, जबकि एक सब्जेक्ट की टोटल वैल्यू कितनी होती है 100 होती है ना, तो गलती से अगर वो एक डिजिट बढ़ा ले तो हजारों में भी वैल्यू दे सकता है सब्जेक्ट की, ये मार्क्स, ये भी तो बहुत बड़ा आपका जो है वो इश्यू हो सकता है। तो कोशिश करें इसको रेंजेस बता दे कि सब्जेक्ट के अंदर, 500 सब्जेक्ट के अंदर जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है। एक तो यहां से होल नंबर आएंगे सिर्फ, और 0 से लेकर कहां तक 100 तक कोई भी वैल्यू दे सकता है। कौन सा क्लियर है? अगर ये टेक्स्ट वगैरह देगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये इन्फो मैसेज है, और यहां पे लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड
नंबर्स बिटवीन 0 to 100, नंबर्स नहीं तो आप लिखें मार्क्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें मार्क्स प्रोवाइड करो कहां से लेकर 0 to 100 तक। एरर मैसेज में भी यही लिख दो कि ये एरर होगा और ये आपका उसका एरर अलर्ट आ जाएगा अगर ये गलत वैल्यू देगा। देखिए इन्फो मैसेज आ रहा है, अब जहां पे भी क्लिक करेगा ना ये क्या बोलेगा, प्लीज प्रोवाइड मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई टेक्स्ट दे रहा हूं तो आपको क्या बता रहा है, नंबर ही दो, यू डोंट हैव अ परमिशन, है ना। उसके अलावा आपने कुछ और चीजें भी कर देनी है, कौन सी कि यहां पे अगर नंबर में 1 देता हूं, देखें अलाउ कर रहा है, ठीक है, अगर मैं 100 दे रहा हूं तब भी अलाउ कर रहा है, लेकिन मैं 101 दे रहा हूं तो आपको क्या बोल रहा है, नॉट अलाउ। कौन सा क्लियर है, तो आपको इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट प्रोवाइड सच कैंड ऑफ वैल्यू जो आपकी रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद यहां से आके आपने बता दिया कि मुझे इसमें 29 की वैल्यू देनी है, 23 की वैल्यू देनी है, जो भी देनी है तो आप यहां पे दे देंगे। कौन से क्लियर हो गया, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, यहां पे आने वाली चीजें जो भी होंगी वो हमारे मर्जी की। इसी तरह से कल को किसी सेल के अंदर सिर्फ डेट चाहिए तो डेट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो, किसी पे टाइम चाहिए तो टाइम पे लगा दो, सही है, किसी पे आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ और चीजों की जरूरत है तो बेशक आप वो लगा सकते हैं और जैसे आप चाहें उसको वैलिडेट कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, सही है? अच्छा एक चीज और कि यहां पे अगर कल को एज वगैरह का कोई कॉलम है तो आपकी यही वाली रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे आप, कि फॉर एग्जांपल कोई क्लास है 8वीं क्लास है तो उसमें कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा ना इस समय एडमिट जो आपकी बहुत बड़ी एज का, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, सही है। तो शीटों में अपनी मर्जी के हिसाब से रेंजेस लगा के उसके ऊपर जिस तरह का जो वैलिडेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये था डेटा वैलिडेशन, और आपका ये एक्यूरेट डेटा को रिसीव करने के लिए यूजर से हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी।